हेलो फ्रेंड, मैं रोसिना, रोसिना मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपना गार्डन को थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ पौधे की मैंने रिपोर्टिंग भी की है, उसको भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा अपना गार्डन में आपको टूर कराती हूँ। अडेनियम देखिए मेरा बहुत अच्छा खिला हुआ है। कॉक्सकॉम अच्छी तरह से खिला हुआ है, एक कॉक्सकॉम खराब हो गया, अब मेरे पास दो बचा है। बोगनवेली में फूल कम हो गई है और एक का तो पूरी तरह झड़ गई है, खत्म हो गया। अभी मैंने कुछ भी विंटर का न्यू प्लांट शॉपिंग नहीं की है। ये नवंबर बीतने को है, मैंने सितंबर में मैंने कोई भी प्लांट की शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि मेरे पास मैरीगोल्ड का बहुत कटिंग लगी हुई है। मैं इसी को गमले में लगा रही हूँ और मेरे पास अभी गमले खाली भी नहीं है। जैसे जैसे गमला खाली होता जाएगा मैं उसी तरह से प्लांट लगाते जाऊंगी। अब मेरे गार्डन में फूल कम हो गए। ये मेरे पास देसी कालांचू है, इसको मैं पिछले साल नहीं, फरवरी में मैं घर से लेके आई थी। मदर प्लांट के नीचे सीड से निकला हुआ बहुत सारा निकला था, उसमें से मैंने डेढ़ डेढ़ दो दो इंच का शायद छोटी छोटी बेबी प्लांट निकला था पेड़ के नीचे, उसमें से मैंने तीन चार उखाड़ के लेके आई थी। इसने शुरुआत में तो ग्रोथ नहीं किया, लेकिन इसने रेनी सीजन के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ किया। ये मेरा देसी वाला है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने देसी लगाया, मैंने खरीदा तो नहीं था कभी, लेकिन मैं देखती थी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती थी। जब मैं फरवरी में घर गई थी तो घर में देखा लगा हुआ था। मदर प्लांट के नीचे बहुत सारे उगे हुए थे छोटे छोटे, उसमें से मैं निकाल के लेके आई थी। ये दो है तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। और ये इसमें भी लगा हुआ, काफ़ी प्लांट रेडी हो गया, बहुत छोटी छोटी थी और उसी में से नीचे से तमाम नई नई ब्रांचेस निकल रही है। देखिए इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया, इसको मैं अलग से दूसरा गमला में लगाने वाली हूँ। देखिए ये मेरा देसी है, सिंगल पेटल का अच्छी फ्लावरिंग हो गई, डबल डबल वाला भी खिला था लेकिन खत्म हो गया। पिछले साल मैं कलांचू का चार प्लांट लेके आई थी, मेरे पास चार कलर में था। गर्मी में तो पूरी तरह बच गया था लेकिन बारिश में खराब हो गया। उसकी कटिंग तो लगाई हूँ लेकिन कोई खास उतनी ग्रोथ नहीं हुई है और बीच बीच में वो खराब भी हो जाती है, लेकिन शायद अगले महीने तक वो रेडी हो जाए, लेकिन छोटी छोटी है। देखिए मेरी मैरीगोल्ड में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मैंने मैरीगोल्ड काफ़ी कटिंग लगाई है, ये सब मेरा कटिंग से लगा हुआ है, मैंने कोई भी सीड से रेडी नहीं किया, ये कटिंग से लगा हुआ है। और ये कटिंग जो पिछले सीजन में फूल था उसी को रखा हुआ था, उसी से मैंने इसको ग्रो किया है। जो सीड मैंने ग्रो किया था वो कोई खास नहीं निकला। मेरा ये न्यू ग्लेडिस में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, इसकी मेरी अपने आप अभी, इसको तो मैंने मार्च में लगाया था लेकिन अब जाके इसका छोटी छोटी प्लांट बहुत सारा निकल आया है। ये देखिए फोर फैमिली में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बस फ्रेंड यही शेयर करना था। आपको मेरे वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड मेरे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं, जाते जाते सब्सक्राइब का बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जिस फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़
सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपसे यूँ सपोर्ट नहीं मांग रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट से ही मेरा मेरा भी कुछ काम बन पाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार अगली टॉपिक के साथ मिलती हूँ। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।